हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के एक व्लॉग हम लोग शूट कर रहे हैं। ये नॉर्मल आज एक हम लोग जा रहे हैं मदीने के लिए, तो ये मदीने का व्लॉग रहेगा। ये हमारी गाड़ी है। तो अभी वक्त हो गया है 3 बजे, ऑलमोस्ट 4 बज गया है। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। तो चलिए रास्ते में आप लोग को दिखाते रहेंगे आज का नए व्लॉग में। तो हम लोग 5 आदमी आज जा रहे हैं। नसीम भाई है, मैं हूँ, इधर हमारा ये अस्सलाम वालेकुम भाई। हम लोग मदीना के सफर के लिए जा रहे हैं। ये रिदोई भाई है, ये अरिदे भाई है, ये अफजल भाई है, ये नसीम बगाड़ी चला रहे हैं, ये कादिर भाई हैं। हम लोग अच्छे, हम लोग उमलुस से मदीना जा रहे हैं। अब तक हम लोग 10 किलोमीटर का सफर तय किए हैं। 10 किलोमीटर अब हम पूछ रहे हैं, 150 किलोमीटर तय किए हैं। हाँ कादिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक बताइए, उमलुस से निकलने गए, ये यहाँ 150 किलोमीटर तय किए हैं, कैसा लगा, कैसा फील कर रहा है? बहुत अच्छा। ये हमारा ड्रोन कैमरा है, ये हमारा अफजल दोस्त है, उड़ता, ये हमारी कार है, ये हमारी पार्टी हो रही है, ये देखिए, समझे वो कार पर, ये हमारा ड्रोन कैमरा है, देखिए कैसे हो रहा है। ये हम लोग की गाड़ी है, ठीक है, कंपनी ने दिए हुआ है, समझे। और ये बताइए अरिदे भाई, अभी जो हम लोग रूम से निकल के सफर करें, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मदीना जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है? बहुत। नसीम भाई चला रहे हैं, बहुत अच्छा से ड्राइव करता बंदा, ये मियां मियां आदमी है। ये हम लोग का देखे, ये हमारा ड्रोन कैमरा एकदम ऊपर उड़ गया, देख रहे हैं आप, एकदम ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा व्यू है, और ये देखिए पहाड़ है, समझे, ये रोड है, ये सूरज निकला, सुबह सुबह का सूरज की रोशनी जो बॉडी के अंदर जो महसूस करते हैं ना, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। तुम्हें बताओ, तुम इतना दूर से सफर किए हो, सबको लेके जा रहे हो तुम पूरा लोकेशन के साथ, कैसा महसूस करो, कैसा फील कर रहे हो, जरा बताएं। बहुत अच्छा। शायद आप लगता है बिजी चल रहे हैं आप कुछ कामों में, क्या उड़ा रहे, ये है क्या चीज़ सर, बता सकते हैं आप कुछ इसके बारे में? ये DJI मिनी 4 प्रो जी, ये एक मिनी ड्रोन है जी, एक ये टॉय कैटेगरी में आता है जी ड्रोन। अच्छा, तो इससे क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदा, ये आखिर क्या करता है? ये हमें अच्छा सा व्यू देगा, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर। सर आपका यूट्यूब चैनल क्या नाम बता सकते हैं आप? जी BR बाइकर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये काम आप कब से स्टार्ट किए, क्या सोच के स्टार्ट किए, इसके अंदर क्या नया एक्सप्लोर करने के लिए जी जी ये चैनल स्टार्ट किए हैं, कि जो मैं खुद देखूं वो आप लोगों को भी दिखाऊं। अच्छा सर, जो नया नया जगह एक्सप्लोर करूं जी जी जी, वो चीज़ों के बारे में बताऊं। तो ये अभी जो हम लोग रुके हुए, ये सऊदी का कौन सी जगह है? ये यम्बो है। अच्छा अच्छा, लगभग जिद्दा से 400 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है ये जी, ये छोटा सा शहर है यम्बो, ये तबुक रीजन में आता है। अच्छा अच्छा, मदीना तबुक। ये नेशनल हाईवे का नाम क्या, जिस हाईवे आपने गाड़ी लगाया? ये हाईवे का नाम, हाईवे नंबर है। अच्छा, 55 नंबर हाईवे है। अच्छा अच्छा, नेशनल हाईवे। तो ऐसे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक। सब जा रहे हैं यारी दे भाई, आप भाई कहाँ से, आप बता सकते हैं, आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश से, कब से आप सऊदी के अंदर रहते हैं आप? 6 साल हो गया। 6 साल हो गया, घर गए कि नहीं गए आप? गए। चलिए चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह सब घर पे ठीक है ना? ठीक है। हाँ कादिर भाई, जरा आप बताएं, टोपी के साथ है माशाल्लाह, चश्मा के साथ हैं, क्या लग रही कुर्ती पजामा में, आप ये बताइए आप कितने साल से सऊदी में रहते हैं? अरे कादिर भाई बताओ यार, ये छोड़ यार। अरे कादिर भाई को मुश्किल नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कादिर भैया जी, आप सऊदी में कब से रहते हैं? 96 रहते हैं। कैसा महसूस करिए 27 ईयर्स के अंदर में, आपको क्या लगा, क्या किया आपने अपनी जिंदगी में, क्या क्या किया? कुछ किया, जैसे कि बहुत कुछ किया, बहुत कुछ का नाम होगा ना, अल्लाह का बहुत बड़ा नेमत हमने ले लिया। ड्राइवर है, मियां आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा ड्राइव करता है, और ये हमारे कादिर भाई हैं, कादिर भाई कुछ बोलिएगा।
आपको गाड़ी चला रहे हैं जब मस्ती में जा रहे हैं नटनाते हुए फुल एंजॉय कर रहे हैं। कितना की स्पीड गाड़ी चला लेते भाई अपनी जिंदगी में आप? भाई तब मैं 160 तक सोच नहीं है आगे नहीं जिसके बाद 100 चलोगे मकाम पे पहुंचोगे 120 जाओगे हॉस्पिटल जाओगे 160 जाओगे दुनिया जाओगे। ऐसा तो नहीं का सुरता का डर है चलाने वालाने का इसके चक्कर में स्पीड ज्यादा नहीं चलाते हैं? कैमरा का ठीक है। हाँ हरी दे भाई अगर आप बताएं कुछ अपनी कहानी। मेरा कुछ कहानी नहीं। क्यों कादर भाई बच्चे कितने हैं? कादर भाई अरे भैया जरा आप बताएं क्या हाल मुदीर क्या है इसमें क्या है कुछ हो गया क्या यहाँ पे क्या हुआ है? हाफिज बदर दे देखिए नाम देखिए अच्छा एरिया ये बहुत अच्छा है। लाल लाल पहाड़ बहुत अच्छा है इधर ग्रीन पहाड़ है इधर पूरा पत्थर का पहाड़ है ना उधर ग्रीन रंबल वाला मतलब सूखे पहाड़ पहले नहा होगा पत्थर छोटा पत्थर रंबल दूर से उड़ते उड़ते आता है हवा में वो जमा होते चला है ये है बदर शहर सिटी ऑफ बदर का स्वागत है एकदम क्लीन सन्नाटा आदमी नहीं नजर आ रहा है छुट्टी गया होगा अभी छुट्टी गया होगा सामान बेचा है ये वो जगह है जहाँ से हमारा जंग स्टार्ट हुआ था ठीक है। ये मैं आपसे एक मिनट किसी इंसान से पूछ के मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी जगह है। हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? कहाँ से आप लोग? पाकिस्तान से। अच्छा ये कौन सी जगह है? ये मस्जिद अरीश है। अच्छा इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें आप थोड़ा आप इधर आते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ आपको ये वो मस्जिद है मस्जिद अरीश जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बैठ कर दुआ की थी या अल्लाह ये जो हम 313 सहाबा हैं ना अगर ये आवाज़ वफात पा गए जंग थी ना ये बदर की पहली जी अगर ये वफात पा गए जी तो आपका पीछे नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा ना यहाँ पर। अच्छा अच्छा तो फिर फरिश्तों की मदद थोड़ा इधर आ जा बच्चे का साउंड आ रहा थोड़ा आगे आ जा आप मतलब कि फिर फरिश्तों की मदद हासिल हुई थी वो सामने उधर एक पहाड़ है जी जी ये इधर सामने है हाँ जबले मलाई का। अच्छा अच्छा वहाँ पे फरिश्ते उतरे थे और मदद हासिल हुई थी फरिश्तों की। अच्छा ये एक तो इस्लाम की पहली जंग थी जी और ये वाहिद जंग थी जिसमें फरिश्तों ने शिरकत की थी। अच्छा ये जंग हमने जीत ली थी मतलब के जिसमें हमारे 14 सहाबा भी शहीद हो गए थे जी जी इनका कब्रिस्तान इस साइड पे है इस साइड पे है हाँ। अच्छा अच्छा इसी मस्जिद में बैठ के दुआ किए थे। हाँ जी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह आपका नाम? उमेर। उमेर आपका नाम? शुएब। आप YouTube चैनल चलाते हो? YouTube चलाते हो? मोबाइल यूज करते हो? हाँ, सब्सक्राइब कर लो हमारे आईडी को ठीक है। आप यहाँ पे भी नेट नहीं आ रहा? नेट नहीं चल रहा है। आपका भी नेट नहीं चल रहा है? क्या है आईडी? मैं आपको बता रहा हूँ आप मोबाइल निकालो। ये वो जगह है देखिए हम हर दर्द की दवा है मदीने के शहर में। आप लोग से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा ठीक है। हमारा ये आईडी मैं वीडियो डालूंगा शेयर करना सब्सक्राइब करना लाइक करना ठीक है। ये वो जगह है देखें जो भाई लोग बताएं ये एक छोटी सी जगह है बहुत अच्छा है। यहाँ पे पुराने पुराने घर भी मिट्टी के घर हैं सारे कुछ है। ये गाड़ी सेटअप ये रोड देखिए जस्ट इन लोगों का कहना है ये है कि इसके जस्ट अपोजिट साइड ये कब्रिस्तान है जहाँ हम लोग का शहीद ये जंग हुआ था सारा कुछ है ठीक है। बाकी और मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं बताता हूँ इनके बारे में कुछ पूछ के आपको ठीक है। शायद ये इनसे पूछ के कुछ बताते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम कुछ बता सकते हैं आप सर इस पर कुछ बता सकते हैं आप शेयर कर सकते हैं आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से पेशावर के नहीं होता सर पेशावर का बंदा नहीं नहीं
नहीं, ज़्यादातर पेशावर के लोग रहते हैं यहाँ। हम यहाँ पर नहीं रहते। अच्छा अच्छा, ज़्यारत के लिए। अच्छा अच्छा, ज़्यारत के लिए। इसके बाद आपको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें आप। जी चलिए ठीक है, चलिए ठीक है भाई, आप शेयर कर सकते हैं, डिस्टर्ब करेंगे हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। देखिए वो कबूतर कितना अच्छा लग रहा है, ये वो जगह दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे खेलते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यारत के लिए सब लोग जा रहे हैं, वहाँ कब्र देखिए वहाँ, अभी शायद सब लोग थे, जंग हुआ था स्टार्ट, ठीक है, लोगों ने इस मस्जिद में नमाज अदा किए थे, ठीक है। ये देखिए आप, क्या मस्त व्यू लग रहा है, क्या अच्छा डिफरेंस है। हाँ बाबू कैसे हो, ठीक हो? ठीक है। ऐसा क्या नाम क्या है? अब्दुल रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाथ मिलाओ। कैसे? ठीक है ठीक है। देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ सारा जगह एकदम। हम लोग निकल रहे हैं वो स्थान देखने के लिए जहाँ पर लोगों का शहीद हुआ था, ठीक है। ये हमारी कार है, ठीक है। ये वो जगह है, कितना शांत और कितना अच्छा लग। देखो हम लोग बैठ रहे हैं, आ गए हवेली पे, अब हमारे अंदर गाड़ी खुल रही है। ये देखिए आप, मक्का जाते हैं। मक्का जा पाओगे? मक्का जा पाओगे? मक्का हज का टाइम है, नाका बंद भी रहेगा। मदीना जा सकते हैं? मदीना जा सकते हैं ना, मदीना के लिए लोग भीड़ होगा, लेकिन मदीना के लिए मनाहट नहीं है। वो लोग नहीं, मदीना जा सकते हो, मदीना जा सकते हो। अभी उतर चुके हैं अपना शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। ये हम हैं यहाँ पे, ड्रोन कैमरा उठाएंगे, सारा सब कुछ दिखाना है हम लोग को। देख लीजिए पहाड़ है, सब कुछ पहाड़ एकदम तगड़ा, सीन कितना गजब है। ये देखिए हमारी कार है, ठीक है, ये वो है। हाँ नसीम भाई, यार सोने क्यों नहीं दे रहे हो दोस्त, तुम बताओ यार, हम लोग पूरी रात के जगे हुए भाई, आखिर क्या मसला आपके साथ है? अच्छा तो आगे वाले बंदे जगे हुए ना, क्या प्रॉब्लम है? दस मिनट के लिए सोने दो दोस्त, पूरी रात के जगे हुए हैं। कादिर भाई आप बताए, अभी जो आपने नाश्ता किया है आपका पेट भर चुका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ आप क्या खाएं? पराठा था, उसके बाद सब्जी था, हाँ चाय था, पानी था। तो चाय में चीनी कम थी कि ज्यादा था? हमारे लिए तो सही था, आप लोगों के लिए चीनी कम था। जी जी, डायबिटीज के प्रॉब्लम है। हमने तो चीनी ऊपर से डाला और उसके साथ मैंने मिर्चा भी डाला उसमें, हरी मिर्चा, चाय बहुत टेस्टी था। अफजल कैमरा उड़ा दो जल्दी फटाक से, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा है दोस्त, समझ रहे हो। ये पहाड़ देख,
ये हम लोगों ने मदीना शरीफ पहुँचे, जस्ट हमारी गाड़ी वहाँ पार्किंग लगी हुई है, समझ गए वहाँ से पार्क, मगर हम लोग यहाँ पर होटल लिए हैं रहने के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे ना, सुबह के निकले हुए हैं, फिर हम लोग मदीना शरीफ जाएंगे। कल हम लोग फ्राइडे का मदीना शरीफ में नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग शाम तक निकलेंगे। अभी हम लोगों ने फ़िलहाल होटल लिया है, ये हमारा होटल है, मगर होटल का इधर का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा 300-400-500 रियाल से कम मिलता नहीं है। तो बहुत ही अच्छा होटल है, मिल गया, अच्छे से ही मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम चल रहे हैं, ये कैशियर भाई से बात हुई थी। ठीक है, ये होटल है, अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, जहाँ हम लोग हमारा होटल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम आ गए। फिलहाल सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ, सारा कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आ गए, जस्ट निकल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रूम है। ठीक है, ये हमारा बालकोनी है, ये हमारा रूम है, ये हमारा रूम देखे मियाँ मियाँ है। ठीक है,